कैप्टन रिटायर्ड सफदर झूठा धोखेबाज और शातिर है। जीआईटी रिपोर्ट में सफदर के मौत की आजादी का दावा गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। तफसीलात क्या है ताहिर राठौर से जानते हैं। ताहिर बताएगा किस तरह के इंकशाफात सामने आए। जी ये रिस्पोंडेंट नंबर 9 है कैप्टन सफदर, और जब ये पेश हुए जीआईटी के रूबरू तो उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से जब इनसे सवालात किए गए तो इनको जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में झूठा धोखेबाज और शातिर करार दिया। और मजे की बात यह है कि कैप्टन सफदर को ये भी मालूम नहीं था कि उनके कौन कौन से 3 वकला सुप्रीम कोर्ट में उनके बिहाफ पे पेश होते रहे। उनको ये भी मालूम नहीं था कि उन वकला ने उनके बिहाफ पे क्या जवाब जमा करवाए। इंटरेस्टिंगली कैप्टन सफदर अपने जराए आमदन भी साबित ना कर सके और उन्होंने ये बताया जीआईटी को कि 1500 रियाल उनको मियाँ शरीफ मरहूम की जानब से मंथली मिला करती थी, महाना रकम मिला करती थी। और ये भी उन्होंने बताया कि इसी रकम से उन्होंने पैसे बचाकर उन्होंने रुझान जो डेरा गाजी खान के करीब वाकया महंगी जरई जमीनें खरीदी हैं उन्होंने ये भी उन्होंने बताया। इसके अलावा वो ये भी साबित ना कर सके, इसके बारे में कुछ ना बता सके कि उनकी जोजा मरियम सफदर को जो करोड़ों अरबों रुपए के तोहफे मिले हैं उन तोहफों का क्या इस्तेमाल हुआ। बहुत शुक्रिया ताहिर राठौर।